हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों मेवाड़ दौरे पर हैं। इस मौके पर गहलोत ने आज उदयपुर के एक होटल में प्रेस वार्ता कर देश की वसुंधरा सरकार पर जमकर तंज कसे। गहलोत ने सबसे पहले राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी बात को रखते हुए साफ किया कि हिंदू सिर्फ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में जाता है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 30 वर्षों से राम मंदिर के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने के लिए राम के नाम का उपयोग करते हैं। गहलोत ने कहा कि बीजेपी की इस बात को जनता समझ चुकी है और अब इस मुद्दे पर पहले जैसा पब्लिक रिस्पांस बीजेपी को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अशोक गहलोत ने सीपी जोशी द्वारा दिए गए विवादित बयान पर भी अपनी बात रखते हुए साफ किया कि राहुल गांधी ने करीब एक महीने पहले ही इस तरह के बयान से बचने के निर्देश दिए थे। गहलोत ने कहा कि यह लोग किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक फायदा उठाने में माहिर है। गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के बयान को गुजरात चुनाव में तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। गहलोत ने अमित शाह के गिरेबान पकड़ने वाले बयान की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी सत्ताधारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का बयान देता है वह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सभी लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे तो कानून का राज देश में कैसे रहेगा। गहलोत ने कहा कि अमित शाह को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और निर्वाचन आयोग को भी उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।